जिन किसान भाइयों ने आम का बाग लगा रखा है, उनको ऐसी जो सामने सिचुएशन है, आम फट गया बिल्कुल, काफ़ी अच्छा साइज़ था, और पूरे बाग में अगर आप चेक करो तो जैसे मेरे बाग में ये तकरीबन 7-8 पीस ऐसे नज़र आए हैं 300 पेड़ में। तो अभी घबराने वाली बात तो नहीं है, बट इसका कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना भी, ऐसा क्यों हो रहा है। देखें क्या बढ़िया फल था, लेकिन ये कट गया, अब ख़राब हो गया। बाकी जो ऊपर लगे हुए हैं वो सारे हेल्दी हैं, तो इसका कारण अब खोजना चाहिए हमें, ताकि हमें नुकसान ना उठाना पड़े। क्योंकि अगर ऐसे डैमेज होंगे फल तो हमें किसानों को काफ़ी नुकसान होगा, मुनाफा जो है वो कम हो जाएगा। तो इसका कारण ढूंढते हैं भी क्यों ये फटता है। एक्सटर्नल कारण है, बाहर से कोई कीट पतंगा या मौसम ऐसा करता है, या इसकी खुराक में कोई कमी है, तो वो चेक करते हैं अभी ऐसा क्यों हो रहा है। इस वीडियो में यही मैं शेयर करना चाहता हूँ सब लोगों से, ताकि ऐसा नुकसान जो है हम भाइयों को, किसानों को ना हो इन फ्यूचर। आम फटने का कारण है, ये इंटरनल कारण है, बोरॉन की कमी जो होती है उसकी वजह से ऐसे आम फट जाते हैं और गल जाते हैं। तो इसकी कमी कैसे दूर की जाए, अब दो चॉइसेस हैं हमारे पास। एक तो बोरॉन का पाउडर आता है, उसको आपने एज अ स्प्रे पौधों के ऊपर मारना है, साल में जस्ट एक बार, और बड़ी लो मात्रा में मारना है स्प्रे को, क्योंकि ये जो है हाईली टॉक्सिक होता है। ज़्यादातर बोरिक एसिड जो होती है वो इंसेक्टिसाइड्स जैसे कॉकरोचेस और बड़े मोटे मोटे ऐसे सुंडी टाइप जो होते हैं, काफ़ी पेस्ट हैवी ड्यूटी, उनको मारने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर फलदार पौधे हैं तो इनको नुकसान ना पहुँचे, इसलिए इसकी मात्रा बहुत कम रखनी पड़ती है। तो पहला जो उपाय है वो है स्प्रे का। स्प्रे कर लें आप साल में एक बार, बड़ी है, या साल में एक बार आप यहाँ पर अच्छे से गुड़ाई करके, ये निराई गुड़ाई करके, ये घास खरपतवार सब निकाल कर, आपने 2 साल की आयु के पौधे हैं तो 2 साल की आयु में मुश्किल से 20 ग्राम पाउडर आपने इसकी ऐसे मिट्टी की खुदाई करके उसमें मिक्स करके फिर पानी लगा देना है। तो दो ही उपाय हैं इसके, एक तो बोरिक पाउडर जो है उसको मिट्टी में मिक्स करके पानी लगाना है, दूसरा स्प्रे कर सकते हैं आप। तो दोनों ऑप्शन है, उसकी वजह से ये चीज़ें ऐसे होती हैं, आम फट जाता है, बीच में से कट जाता है और ऐसे गल जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे भी कोई भी दिक्कत बाग में आएगी आम के, तो कोई सॉल्यूशन मेरे को नज़र आएगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा।